हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूबी। और बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं गणित का अभ्यास एक, जिसका नाम है आइए दोहराएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है एक से दस तक की संख्याएं। तो बच्चों, हम आज इसमें एक से, आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एक से दस तक की संख्याएं। ठीक है, तो पहले नंबर पर दिया हुआ है वन। ठीक है, वन की स्पेलिंग क्या होती है, ओ एन ई, वन। वन मीन्स क्या होता है बच्चों, एक। ठीक है, यहाँ पर हमारा वन क्या दिया हुआ है चित्र में, हेलीकॉप्टर। ठीक है, हवाई जहाज। ये कितना है इसमें, एक। ठीक है, वन। आगे दिया हुआ है टू। टू की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, टी डब्ल्यू ओ, टू। टू मीन्स क्या होता है, दो। ठीक है, यहाँ पर हमको डायग्राम में दो मेंढक दिख रहे हैं। ठीक है, ये कितने हैं हमारे, दो। आगे दिया हुआ है थ्री। थ्री की स्पेलिंग क्या होती है, टी एच आर डबल ई, थ्री। थ्री मीन्स क्या होता है बच्चों, तीन। ठीक है, यहाँ पर जो बुक्स रखी हुई हैं उनकी संख्या कितनी है, थ्री। ठीक है, आगे दिया हुआ है फोर। फोर की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, एफ ओ यू आर, फोर। फोर मीन्स चार। यहाँ पर फोर कुर्ते रखे हुए हैं, वन टू थ्री फोर। ठीक है, तो ये कितने हैं, फोर। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट फाइव। फाइव की स्पेलिंग क्या होती है, एफ आई वी ई, फाइव। फाइव मीन्स पाँच। ठीक है, यहाँ पर पाँच क्या रखे हुए हैं, टोमेटो, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे दिया हुआ है सिक्स। सिक्स की स्पेलिंग क्या होती है, एस आई एक्स, सिक्स। सिक्स मीन्स कितना होता है बच्चों, छः। ठीक है, यहाँ पर हमारी पेंसिल दी हुई है, उनकी संख्या काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट सेवन। सेवन की स्पेलिंग क्या होती है, एस ई वी ई एन, सेवन। सेवन मीन्स क्या होता है बच्चों, सात। ठीक है, यहाँ पर टेडी रखे हुए हैं, टेडी को काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टेडी हैं, सेवन। आगे दिया हुआ है एट। एट की स्पेलिंग क्या होती है, एट की स्पेलिंग देखते हैं बच्चों, ई आई जी एच टी, एट। एट मीन्स कितना होता है, आठ। यहाँ पर टोपियों की संख्या दी हुई है, टोपियाँ काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। एट मीन्स कितना होता है बच्चों, आठ। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट नाइन। नाइन की स्पेलिंग क्या होती है, एन आई एन ई, नाइन। नाइन मीन्स नौ। यहाँ पर खरगोश दिए हुए हैं, हम काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, तो यहाँ पर एक खरगोश, इनको इंग्लिश में हम रैबिट बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी है, नाइन। आगे दिया हुआ है टेन। टेन की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, टी ई एन, टेन। टेन मीन्स क्या होता है, दस। ठीक है, यहाँ पर कुछ एप्पल्स रखे हुए हैं, उनको हम काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये हमारे वन से लेकर टेन तक की संख्या काउंट हो गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है वस्तुओं को गिनकर इनकी संख्या, सही संख्या पर सही का चिन्ह लगाइए। वस्तुओं को गिनकर इनकी सही संख्या पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम कुछ संख्या दी हुई हैं, उनको हम जो डायग्राम में चित्र दिए हुए हैं उनको काउंट करके हम क्या करेंगे, जो साइड में हमारी संख्या हैं उनके जो जितनी डायग्राम होंगे उतनी उस पर हम टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर दी हुई हैं बुक्स। बुक्स को काउंट करते हैं, कितनी हैं, वन
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है बच्चों। तो बुक्स कितनी है, सेवन। तो हमारे सेवन यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम इस प्रकार से राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, चूहे, ठीक है। तो उनको गिनते हैं हम कितने हैं, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। तो जो चूहे हैं, रैबिट हैं, वो कितने हैं, नाइन। तो हम यहाँ पर नाइन पर टिक लगा देंगे, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है कुछ चिड़ियाँ हैं, उनको हम काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो कितनी है, सिक्स। तो सिक्स के नीचे हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है कुछ फ्लावर्स, वन टू थ्री फोर, फोर फ्लावर्स हैं। फूल कितने हैं बच्चों, चार, ठीक है। तो उसके चार के नीचे हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है, समझ में आया। आगे दिया हुआ है वस्तुओं को गिनकर संख्याएं लिखिए, तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी हुई हैं, उनको हमको काउंट करना है और फिर उसकी संख्या लिखनी है। तो पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है, कुछ लड़के खड़े हुए हैं, बॉयज़, उनको हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, फिर उसकी जो संख्या आएगी वो हम यहाँ पर जो एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है उसमें लिख देंगे, ठीक है। तो गिनते हैं, चलो, वन टू थ्री फोर। बॉयज़ की संख्या कितनी है बच्चों, लड़कों की संख्या फोर या चार, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, चार। आगे दिए हुए हैं कुछ बटरफ्लाई, तितलियाँ, उनको काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। तितलियाँ कितनी हैं, तितलियाँ कितनी हैं बच्चों, सेवन। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, सेवन, ठीक है। आगे काउंट करते हैं, हॉर्स, घोड़े दिए हुए हैं, घोड़ों की संख्या गिनते हैं, वन टू, ठीक है। हॉर्स कितने हैं बच्चों, घोड़े दो, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, दो, ठीक है। आगे काउंट करते हैं, कुछ काइट्स दिए हुए हैं, पतंग्स, उनको हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है बच्चों। कितनी काइट्स हैं, नाइन या नौ, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, नौ, ठीक है, ये लिखा हुआ है, नौ। आगे दिए हुए हैं अम्ब्रेला, छाता, ठीक है, उनको गिनते हैं कितने हैं, वन टू थ्री। तो जो हम अम्ब्रेला दिए हुए हैं वो कितने हैं बच्चों, थ्री, ठीक है। तो उसके आगे नीचे हम बॉक्स में कितना लिख देंगे, थ्री। आगे कुछ मैंगो दिए हुए हैं, आम, उनको काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो जो मैंगो हैं बच्चों वो कितने हैं, एट, ठीक है। तो यहाँ पर हम बॉक्स में कितना लिख देंगे, एट, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर बच्चों हेडिंग दी हुई है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए, ठीक है, और निम्न में दिखाई गई वस्तुओं की संख्या बताइए। तो बच्चों जो हमको डायग्राम दिए गया है उसमें कुछ बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, चिड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, ठीक है, फ्लावर्स हैं, उनको हमें काउंट करके गिनकर जो हमारे बॉक्स दिए हुए हैं उनमें लिखना है। पहले नंबर पर क्या दी हुई है बच्चों, लड़की, ठीक है, लड़की दी हुई है। तो हम इस जो हमारा चित्र है उसमें लड़कियों की संख्या गिनेंगे, कितनी लड़कियां हैं, और फिर हम यहाँ पर जो उसके आगे जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए काउंट करते हैं, एक तो ये है वन टू और ये यहाँ पर थ्री। तो गर्ल्स की संख्या या फिर लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों, तीन। तो यहाँ पर हम बॉक्स में कितना लिख देंगे, तीन, ठीक है, समझ में आया। आगे दिए हुए हैं लड़का, लड़कों को गिनती हैं बच्चों, फिर उसको बॉक्स में लिखेंगे। तो एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। तो इस प्रकार से लड़कों की संख्या कितनी हो गई, छः। तो छः हम यहाँ पर इस वाले बॉक्स में लिख देंगे। आगे दी हुई है
तितली, और फिर बटरफ्लाई, उनको हम काउंट करते हैं कितनी है, 1, 2, 3, ठीक है बच्चों, कितनी है, 3, तो 3 हम इस वाले बॉक्स में लिख देंगे। आगे दिए हुए हैं फ्लावर या फूल, फूलों की संख्या काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, फ्लावर्स कितने हैं बच्चों, 4, तो 4 को हम इस बॉक्स में लिख देंगे। आगे दी हुई है बॉल, बॉल की संख्या काउंट करते हैं, कितनी है बॉल्स, 1, 2, 3, 4, बॉलों की संख्या कितनी है बच्चों, 4, ठीक है, 4 नहीं 5 है, एक और इसके हाथ में है, ठीक है, तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर है एक 5, ठीक है, तो बॉल के आगे हम कितना लिख देंगे, 5। आगे दिए हुए हैं पर्वत, ठीक है, उनकी संख्या हम काउंट करते हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ पर्वत, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जो पर्वतों की संख्या है बच्चों वो कितनी है, 7, तो इस वाले बॉक्स में हम कितना लिख देंगे, 7, ठीक है। आगे दी हुई है कुछ चिड़ियाएं, ठीक है, तो चिड़ियाओं को काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो चिड़ियाओं की संख्या कितनी है बच्चों, 5, तो इस वाले बॉक्स में हम क्या लिख देंगे, 5। आगे दी हुआ है कुछ प्लांट, ठीक है, पेड़ दिया हुआ है, तो पेड़ों की संख्या, तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार का जो पेड़ है उसकी एक ही संख्या दिखाई दे रही है, तो इसके आगे हम कितना लिख देंगे, 1 या 1, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम था अभ्यास 1, आइए दोहराएं। ये बच्चों हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, इसमें कुछ रिवीजन टाइप की एक्सरसाइज दी हुई थी जो आप सभी ने मेरे साथ में सॉल्व कर ली है, ठीक है, इसको आप अपनी बुक्स में फिर से फिल करना, ठीक है, वीडियोस को देखकर, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।